बिलासपुर जिले की सदर उपमंडल के तहत बल बिलवाणा पंचायत के नवनियुक्त प्रधान रजनीश ठाकुर ने प्रधान की कुर्सी का त्याग इसलिए कर दिया क्योंकि उनके पास पूर्व महिला प्रधान द्वारा 5 सालों के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार करने की शिकायतें आई हैं और उन्होंने इस बात की शपथ ली है कि जब तक प्रदेश सरकार पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों की विजिलेंस पर प्रशासनिक जांच नहीं करवाती तब तक वे प्रधान की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यही नहीं, प्रधान रजनीश ठाकुर ने जल्द ही मामले की जांच न होने पर उप प्रधान वार्ड सदस्यों व पंचायत के लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। वहीं अपना कार्यभार संभालते ही रजनीश ठाकुर ने पंचायत कार्यालय परिसर में धरती पर चटाई बिछाकर नीचे बैठ गए। उनकी इस पहल को देखते हुए पंचायत उप प्रधान सहित सभी वार्ड सदस्य भी अपनी कुर्सी छोड़कर चटाई पर बैठे और वहीं से जनता की समस्याएं भी सुनने लगे और अपना कार्य किया। वहीं रजनीश ठाकुर का कहना है कि पंचायत के लोगों की लगातार उनके पास शिकायतें आ रही हैं कि पूर्व महिला प्रधान ने विकास के नाम पर कई घोटाले किए हैं जिसमें मुख्य रूप से बकरी पालन हेतु शेड बनाने के लिए बकरी पालकों को 35,000 रुपए की जगह केवल 7,000 रुपए देने, युवाओं के लिए जिम के सामान की बेकदरी कर टॉयलेट में रखना, जिम सेंटर को स्टोर बनाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना शामिल है जिसकी वे सरकार से विजिलेंस पर प्रशासनिक जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी है और आने वाले समय में मामले की जांच नहीं होती तो वे जनता के साथ मिलकर धरना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत के सारे कार्य वे धरती पर बैठकर ही निपटाएंगे और तब तक प्रधान की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती। मैं रजनीश ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत बलबलाना। मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी सरकार को अवगत करवाया था कि जो 5 वर्षों में हमारी पंचायत में कार्य हुए वो कोई भी कार्य भ्रष्टाचार के बिना नहीं हुआ, हर कार्य में भ्रष्टाचार किया गया। और मैंने सरकार को चेतावनी भी दी थी और विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की थी, परंतु आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ और आज हमें 6 दिन हो गए। आज मेरे पास तो लिखित शिकायतें भी इसकी आई हैं जो कि मैं मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ वो आप देख सकते हैं। ये लोगों की लिखित शिकायतें आई है, बलदेव जी हैं, कृष्ण जी हैं, एक बलबलवाना से है, दोला ब्राह्मणा से है। इनको 7,000 रुपये दिया गया, 35,000 रुपये मिलता था बकरी शेड का, गॉड शेड जो हमारा बनता है उसमें 35,000 रुपये मिलता है। जितनी भी दीवारें लगी उतनी सभी उसमें भ्रष्टाचार किया गया, जो भी कार्य हुए वो भ्रष्टाचार के बिना नहीं हुए, सभी कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ वो प्रधान और पूरी वार्ड मेंबर और पूरी जनता को साथ में लेकर मैं धरना प्रदर्शन करूँगा और इसके लिए सरकार जिम्मेवार रहेगी। जो भी धरना प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा, धरना होगा, उसके लिए सरकार ही जिम्मेवार रहेगी और हमारा ब्लॉक के अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार रहेंगे। जो भी आगे कार्यवाही करेंगे वो जनता को साथ में लेकर ही करेंगे।